કાનોધારા શાહી થયા હતા. અકસ્માત ચોક પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ખોયા ગલી ચોક પર બન્યો હતો. બે મકાનો ધરાશાયી થતા 5થી વધુ લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા હોવાની આશંકા છે. ઘરના કાટમાળ નીચે દટાયેલાઓમાં મહિલાઓનું પણ સામેલ છે. વહીવટી અધિકારીઓ અને એનડીઆરએફની ટીમ ઘટનાસ્થળે બચાવ કાર્ય ચલાવી રહી છે. અકસ્માત બાદ કાશી વિશ્વનાથ મંદિર તરફ જતો ગેટ નંબર 4 બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. મંદિરે જતા દર્શનાર્થીઓને ગેટ નંબર 1 અને ગેટ નંબર 2માંથી પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ ખોવા ગલી ચોક પર સ્થિત પ્રખ્યાત જવહીર સાઓ કચેરી વિક્રેતાની ઉપર રાજેશ ગુપ્તા અને મનીષ ગુપ્તાના ઘર આવેલા હતા. બંને ઘર 70 વર્ષ જૂના હોવાનું કહેવાય છે. મોડી રાત્રે બંને મકાનો ધરાશાયી થયા હતા. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક પ્રશાસનને મામલાની જાણ કરી હતી. શહેરમાં પ્રવેશવાનો રસ્તો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા અધિકારીઓએ મેદગીન અને ગોંદોલિયાથી મંદિર તરફ જતા ગેટ નંબર 4થી દર્શનાર્થીઓને પ્રવેશ બંધ કરી દીધો છે. એનડીઆરએફની ટીમ હાલ ઘટનાસ્થળે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. वो आपको पुलिस अधिकारियों ने बता ही दिया है, लेकिन हमको जैसी सूचना मिली थी तुरंत हमारी दो टीमें यहाँ आ गई थी. और जैसा आपको पता है ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था, तो हमने अपने अनुभव और अपने तकनीक के सहारे बहुत ही कम समय में जो यहाँ पर 8 विक्टिम्स थे उनको यहाँ पर हमने रिट्रीव किया है और आपके सामने है कि सभी लोगों को यहाँ अस्पताल रेफर कर दिया है. कैजुअल्टी के बारे में शायद आपको जिला प्रशासन बताएगा, क्योंकि हम यहाँ आपके सामने ऑपरेशन में ही बिजी थे, तो जो भी यहाँ पे निकले थे फंसे हुए लोग उनको तुरंत ही रवाना किया गया है. ये अभी जो गई है ये जिंदा है? देखिए अब रेस्पॉन्सिव हैं, अब वो आप खुद देखेंगे, डॉक्टर्स बताएंगे कि कहाँ फ्रैक्चर है क्या है. कितने देर की रेस्क्यू ऑपरेशन थी आपकी? जी कितने देर की रेस्क्यू ऑपरेशन थी, कितना देर लगा होगा लगभग? अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन जैसा समय है तो लगभग पिछले 4 घंटे से ज्यादा से ऑपरेशन चल रहा है. अभी भी और कोई है? अभी हम लास्ट बार सर्च करेंगे, अभी हम नहीं कह सकते कि कोई है या नहीं है, लेकिन ऑपरेशन क्लोज करने से पहले एक फाइनल सर्च की जाएगी. अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे. एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे. ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे. जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया. तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी. उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है. इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है, उनके जबड़े में चोट लगी है. तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग सीएमओ सीएमएस की देखरेख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लोगों को निकालने का पूरा हो गया, मलबा हटाने का काम चलेगा. ये जो गेट जिस घर के साइड में बनाया गया था करीब 10-15 मीटर दूर है, अब इसको भी डिसमेंटल कराया जाएगा ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो सके और ये सारे मलबे को निकाला जा सके. तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि इस मलबे को क्लियर कराया जाए और यहाँ की सप्लाई जो बिजली की है पानी की वो रिस्टोर करवाई जाए और जो सामग्री घर के मालिकों की इस घर के अंदर दबी होगी तो उसको भी सेफली जितना पॉसिबल हो वो निकाला जा सके. कितने साल पुराना मकान होगा ये? देख के लग ही रहा है कि करीब 70-80 साल पुराने मकान हैं और ये पुराने मोहल्लों के मकान हैं और दीवारें एक दूसरे घर से अलग नहीं होती हैं. एक दूसरे की दीवार का सपोर्ट या एक ही दीवार पे मल्टीपल मकान बनने का यहाँ पे जनरली चलन है, उसी के अंतर्गत ये दीवार थी. हालांकि बाहर को देख के लग रहा था कि इंटैक्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाले फ्लोर कोलैप्स हुए और नीचे वाले फ्लोर अभी भी इंटैक्ट है उस मकान के. ऊपर के 3rd और 2nd फ्लोर के कोलैप्स होने की वजह से उसमें जो लोग फंसे हुए थे वही लोग अफेक्ट हुए और उन्हीं लोगों को रेस्क्यू किया गया. देखिए ये जो हादसा हुआ है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के ठीक सटा हुआ एरिया है. देखिए एक तस्वीर आपको दिखा दूँ, ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 का ये द्वार है, यहीं से जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए. ठीक और मेरे ठीक सामने एक तस्वीर और दिखा दें जो मकान ढहा हुआ है, यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. हालांकि मकान अब गौर से देखेंगे तो पहले जो मकानें बनती थी वो सूखी मिट्टी का बनता था और बारिश की वजह से जो लगभग 70 साल हो चुके हैं इस मकान को, प्रशासन की माने तो 70 से 80 साल हो चुका है इस मकान में. तो मकान इसे
पुनर्निर्माण कराना था, इसे मरम्मत करानी थी, लेकिन जो परिवार के लोग थे, जो मकान के मालिक थे, वो इसे मरम्मत नहीं करा सके और इन बीच ये बड़ा हादसा हो चुका। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है प्रशासन के द्वारा, एक महिला की मृत्यु हो गई जिसका उम्र 40 से 45 के मध्य है और जो NDRF की टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। अभी भी क्रॉस चेक किया जा रहा है कि कोई और तो दबा नहीं है, क्योंकि क्रॉस चेक करने के बाद जो मलबे की प्रक्रिया है उसे हटाया जाता है। देखिए मलबे की प्रक्रिया हटाई जा रही है, उसके साथ में जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर अंदर ले जाया गया था उसे धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। आप मैं जहाँ मौजूद हूँ उससे दूसरी तल पे NDRF की टीम मौजूद है और ठीक सटा हुआ एक मंदिर है, कहा जाता है ना काशी के हर गली में मंदिर है, तो देखिए काशीखंड नाम भी अंकित है और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। मंदिर का जो ऊपरी भाग है वो भी टूट चुका है और मकान काफ़ी पहले की जो मकान बनती थी वो काफ़ी मजबूत बनती थी, लेकिन जो दीवारें होती थी वो दीवारें मिट्टी की होती थी, सूखी मिट्टी की होती थी। मिट्टी की दीवारें जो 14 इंची से 9 से 10 इंची की मोटी परतें होती थी, लेकिन बारिश की वजह से ये मकान ढह गया। अभी भी कई ऐसे मकान हैं जो ढहने की कगार पे हैं, प्रशासन लगातार नोटिस दे रही है। अभी कौशलला शर्मा जो बनारस के कमिश्नर है, उनका ये कहना है कि अब BDA और नगर निगम की टीम बनेगी, जो भी मकाने बचे हैं लगभग 50 मकाने हैं जिनको नोटिस पहले दिया जा चुका है, लेकिन मकान के लोग जो मकान के मालिक वो खाली नहीं किए हैं, उन्हें भी अब खाली कराया जाएगा और उन्हें कहीं और स्थानांतरित करने के बाद मकान की जो मरम्मत है, मकान के मरम्मत होने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। तो इस हादसे के बाद प्रशासन सबक ली है, प्रशासन भी जाग चुकी है। अब जो प्रक्रिया है मकान खाली कराने की, जो डिमोलिश टाइप के मकाने हैं, जो पुराने मकान है, जर्जर है, उन्हें भी खाली कराया जाएगा। लेकिन इस मकान में जो दबे लोग हैं, जो जिनका इलाज अभी ट्रामा सेंटर में मंडलीय अस्पताल कभी चौरा में चल रहा है, उनकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। एक महिला की मृत्यु हो गई है। कमिश्नर का ये भी कहना है कि अब मुआवजे की जो प्रक्रिया है, मुआवजे की प्रक्रिया सरकार के आदेश के बाद मुआवजे दिए जाएंगे।